तत्रैव मामपि नय प्रियसे बना। आपकी सेवा के लिए हमको लेकर चले। वही ले चलो जहां राधा माधव निभृत कुंज में प्रियालाल का युद्ध स्मर युद्ध प्रेम के लिए चल रहा है। उस समय प्रिया जी का केश पास को सुलझाना, माला उलझ जाए तो उसको सुलझाना, प्रिया जी की गर्मी हो रही पंखा चलाना, उस समय जल की आवश्यकता पड़ेगी, हम जल पिलाएंगे। उस स्थिति में हमको आप ले चलिए और हम आपकी सेवा करें। आप प्राण प्यारे की बल्लभ हैं। वही श्री कृष्ण दस नाम स्त्रोत लीला स्रोत में प्रिया प्रियतम का जो पारस्परिक प्रेम है उसका वर्णन करते हैं। राधिका हृदयोन्मत्ति वंशी कर्ण मधुरक्षता। राधा परित मनोद्गार आक्षिप्त मानस। वंशी ध्वनि मकरंद परंपरा से राधा माधव की उस नित्य लीला में अंग सौरभ से आकृष्ट मतवाले मधुकर आ जाते हैं। उसी तरह हम उस समय कृष्ण की गोप सखियों की बड़ी बड़ी सेवा हो जाती है। उस समय सखी मंजरिया प्रियालाल को रत्न वेदी पर बैठाती हैं। दोनों चाहते हैं अलग रहना लेकिन अलग नहीं रह सकते। लोहा और चुंबक एक साथ रख करके प्रियालाल दोनों एक ऐसा मिल जाते हैं कि नील हैं कि पीत हैं, कृष्ण हैं कि राधा हैं, ये सब पता नहीं चलता। अद्भुत जोड़ी मायरी अद्भुत जोड़ी प्रकट कर स्वामी हरिदास जी करते हैं। ना आज तक कभी हुआ न होगा जो वृंदावन के निकुंज में प्रिया प्रियतम जो परस्पर लीला कर रहे हैं वैसा आज तक कभी हुआ न होगा। अद्भुत जोड़ी प्रकट मायरी अद्भुत जोड़ी प्रकट हुई। अब उन प्यारे श्याम सुंदर को सेवा सहचरिया कैसे करती हैं? प्रियालाल हैं कौन, प्यारे श्याम सुंदर हैं कौन? तो सखी मंजरियों का प्राण, प्राण ही दो रूप में प्रकट हो गया, नील और पीत के रूप में। प्रिया जीव और प्यारे श्याम सुंदर ये सखी मंजरियों के प्राण, उनके बिना ये लोग रह ही नहीं सकती। सखी मंजरियां जीवन मरण में केवल यही चाहते हैं जोगल जोड़ी हमेशा प्रसन्न है, इसके अतिरिक्त हमारी कोई चाह। ये वृंदावन के जो रसिक महापुरुष हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल जुगल जोड़ी चाहिए। प्रियालाल को हमेशा निहारते रहे यही उनका संपत्ति है। बस निकुंज महल में प्रियालाल कदम पेड़ के नीचे जुगल सरकार बैठे हों वहाँ रत्न वेदी पर, और दोनों लाल को वहाँ पर बैठाएंगे, सरकार को बैठाएंगे और उनके उनके श्री अंग में चंदन लगाऊंगी, ऐसा गंध दूंगी, मुंह में पान खिलाऊंगी, दर्पण दूंगी, पंखा करूंगी, यह करे बिंजन। महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा मुझे सुअवसर कब प्राप्त होगा, प्रियालाल जुगल विहार में हो और मैं कभी उनको तांबुल खिलाऊंगी, कभी पंखा करूंगी, कभी उनके श्री अंग पर चंदन लगाऊंगी, कभी जुगल मुखचंद्र का दर्शन करके अपने हिया को जुड़ाऊंगी। दोनों प्यारे एक दूसरे से मिल करके जो विहार करते हैं तो चामर कब डुलाए और कब मुखचंद का पान करेगा, ऐसी ऐसा रस कब प्राप्त होगा मुझे। ये देखिए सखी सहचरियों का क्या स्वभाव है, क्या मिलन है। कभी तुलसी मंजरी कह रही है कि ऐसा सुअवसर मुझे कब प्राप्त होगा कि प्रियालाल के वृंदावन के वन पुष्पों को चयन करके माला गुथूंगी और प्रियालाल जुगल सरकार के गले में पहनाऊंगी।
तांबूल दें, जंगल दें, ऐसी स्थिति हमारी है। लेकिन हम तो सेवा योग्य हूं नहीं, उस समय कौन सी कैसी सेवा की जाए। तो श्री ललिता और विशाखा की आदेश पाकर के प्रियालाल की सेवा करूं। देखिए ये अनुगत्यमय सेवा है, मनोन्मुखी सेवा नहीं। प्रिया जी को कब प्यास लगेगी ये सखियों को पता है, किशोरी जी को पता नहीं। प्रिया जी को प्यास लगने के पहले मंजरियों को अनुभव हो जाता है प्रिया जी को प्यास लगे, गर्मी लगे, अब चंदन की आवश्यकता है। ये मंजरियां क्या है, प्रिया जी की मन ही तो है। उन ललिता विशाखा के आदेश पा करके हम जुगल सरकार की सेवा करते रहेंगे, यही मेरी अभिलाष है, यही हमारी इच्छा है। ऐसा मुझे कब सुदिन आएगा, ऐसा सुंदर दिन कब आएगा कि केली में प्रियालाल जब विपरीत रति में होंगे तो विपरीत रति में सेवा बढ़ जाती है। तो उस केली का दर्शन करो, ये श्री रघुनाथ गोस्वामी की अभिलाषा है। जुगल जोड़ी सखियों के साथ बिहार, अब प्यारे श्याम सुंदर को निकुंज मंदिर में प्रिया जी, श्याम सुंदर प्रिया जी की सेवा नहीं कर पाते हैं। क्या सेवा है, कभी पद गाना है प्रिया जी को प्रसन्न के लिए, पद गाते रसिक मात्र, कभी नृत्य करना है, नाचना है, नाच करके लाल प्रिया लाल को प्रसन्न करते। बरसाना में है कि मोर कुटी में प्रिया जी एक मोर रखी थी, वो रोज नृत्य कला सिखलाती। तो प्यारे श्याम सुंदर आए तो श्याम सुंदर से प्रिया जी कहे कि हमारा मोर है वो नाचता है, हम सुनी होगी तुम भी नृत्य करते हो, तो इस दोनों में होड़ा होड़ी लग जाए कौन नाचता है कौन। तो प्रिया जी का पोषित जो मोर था और प्यारे श्याम दोनों नृत्य करना था, तो मोर ने प्यारे श्याम सुंदर को हरा दिया। मोर कुटी है ना वहां, तो किशोरी जी के चरण कमल पर प्यारे श्याम सुंदर प्रार्थना की थी, प्रिया जी हमको भी आपको नृत्य करना सिखला। तो देखिए सकल कला की गुरु नम्रता, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि सकल कला के गुरु कौन है, श्री कृष्ण। और कौन श्री कृष्ण को कौन नाचने सिखाता है, हरिराम व्यास पद एक बड़ा सुंदर लिखे, प्रिय को नाचन सिखवत प्यारी, प्रिय को नाचन सिखवत प्यारी। प्यारे श्याम सुंदर को प्रिया जी नचाती है, कौन श्याम सुंदर जानते हैं ना, जो जगत को नचाता है, सारा संसार को नचाने वाला श्री कृष्ण के आदेश से ब्रह्मा नाच रहा है, शिव नाच रहा है, और उन भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा माया शक्ति के द्वारा हम सब नाच रहे हैं, ये सारा दुनिया नाच रहा है। आज श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक आया है, सारा संसार क्यों नाच रहा है, क्योंकि माया ने विस्मृत करा दी, इसीलिए नाच रहा है। नाचने का कारण क्या है, हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, कौन भूलवाया है, भगवान की माया, और भूलवा दी इसीलिए सब नाच रहे हैं। जिस वस्तु के लिए हम लोग नाच रहे हैं वो वस्तु न जाने कई बार हम लोगों को प्राप्त हुआ, कई जन्म में मिले, अब फिर उसी वस्तु को इकट्ठा करने के लिए नाच रहे हैं चारों संसार। तो सकल जगत को नचाने वाले प्यारे श्याम सुंदर आज निकुंज मंदिर में प्रिया जी उनको नाच सिखा रहे हैं।
कैसे ताल देखिए कला की आचार्या किया जी। यहाँ तक भागवत में लिखा गया है कि जब प्यारे श्याम सुंदर कालिये नाग के फन पर नृत्य करने लगे तो उस नृत्य को देख करके नृत्य कला के आचार्य भगवान शंकर, दो ही नृत्य है जगह, एक लास नृत्य और एक तांडव नृत्य। तांडव नृत्य के आचार्य है भगवान शंकर। सब कुछ जितना ज्ञान निकला है हम लोगों के पास, ये शब्द बोलने की, पढ़ने की, नाचने की, खाने कमाने की जो भी कला है, सब कला भगवान शंकर से आया है। ये वाणी है ना, ये वाणी ये क ख ग, ये कहाँ से निकला है? शिव जी से निकला है। पाणिनिक व्याकरण में लिखला लिखा है कि नृत्य अवसाने नटराज राजो ननाद धक्का नव पंचवार उद्धव तुकामा सनकादि शुद्धा नेतीर्थमर्षि शिव सूत्र जा। संकादियों के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने केवल 14 बार डमरू बजाए, शिवसूत्र जालम 14 बार केवल डमरू बजाए, उसी डमरू से सारा शब्द सारा भाषा निकला। तो नृत्य कला के आचार्य भगवान शंकर हैं। जब श्री कृष्ण कालिये नाग के फन पर नृत्य कर रहे थे तो शिव जी का बुद्धि कौन कहाँ जा रहे, तांडव नृत्य के आचार्य तुम, और जो कला से नाच रहे हैं ठाकुर जी का, 1000 फन से वो कालिये नाग काटना चाहता है और जिस फन को उठाता है उसी पर पैर मारते हैं। ठाकुर जी के पास केवल दो ही पैर है, आज इतना तीव्र गति से नाच रहे हैं कि 1000 से फन उठाकर काटना चाहे फट 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 मारने, ये अब काम नहीं किया उसका। अब उन तांडव नृत्य के आचार्य भगवान शंकर जीव श्री कृष्ण के नृत्य देख करके बेहोश हो गए। श्रीमद भागवत में सुखदेव जी कहते हैं सकल कला की गुरु नर्तक, सकल कलाओं के आचार्य श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। अब वह श्री कृष्ण निकुंज मंदिर में बिना काम कर रहे, और उन श्री कृष्ण को कौन नचाता है? तो प्रिय को नाचन सीख बहुत प्यारी वृंदावन मह रास रचो है शरद चंद उजियारी। पूर्णिमा के चांदनी में प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को नृत्य कर रहे सिखला रहे, क्योंकि अभी रास करना है। रास में यदि श्री कृष्ण हार जाए तो बेइज्जत होगी किशोरी जी की, हमारा चेला हार गया। तो अभी भी इनको सिखला रहे कैसे नृत्य। देखिए रास हो रहा था तो प्रिया जी का नूपुर और प्यारे श्याम सुंदर का बंसी और ब्रज गोपियों का ताल कंकन, ये सब और कोई बात भी नहीं था, यही बात था। श्रीमद् भागवत में लिखा है बलया नाम नूपुराणाम किंकरी राम से जोशीता, यही बात था, बल है किंकरी नूपुर। तो यहाँ पर सखियां श्याम सुंदर को नृत्य करा रही है तो तुंग विद्या सखी मृदंग ले, मृदंग लेकर के प्यारे श्याम सुंदर नाच रहे। ताल मृदंग उपंग बजावती, ताल मृदंग उपंग बजावती प्रफुल्लित है सखी सारी। एक कला का ज्ञान नहीं, देखो तुम यहाँ गलती किया, यहाँ गलती किया, उनका गलती निकाल रहे सखिया प्रफुल्लित होकर। बीन बेनु धुनी नु पूर ठुमु कत, प्यारे श्याम सुंदर भी अपने अधर पर बंसी धारण किए हैं और बंसी का ताल नुपुर से मिला रहे हैं। बीन बेनु धुनी नूपुर ठुमकत, उस समय वृंदावन में जितने पशु पक्षी कीट पतंग खगा मृग सब अपने दशा को भूल गए। यहाँ प्यारे श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हो, प्रिया की गान आलाप रही थी तो खग मृग दशा विसारे। मान गुमान लकुटली ठाड़ी डरपत को जब बिहारी
व्यास स्वामिनी की छवि निरखत हंसी हंसी दे करतारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय जब प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा हो उस समय की सेवा की याचना कर रहे हैं। हमको वो सेवा जत्र त्वया विहरते प्रणयी प्रियाया प्रिया के नजदीक प्यारे श्याम सुंदर आकर के जो लीला कर रहे हैं तत्रैव मां मति नय प्रिय सेवनाय हे प्रिया हे किशोरी जी उस समय आपको सेविका की जरूरत होगी उस समय आप हमको ले चले उस समय मैं सेवा करूं। सरस्वती प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि वह कैसी ऊंची सेवा है जिस सेवा की याचना रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे हैं। कुंजांतर कुंजांतरे किमपि जातरसोत्सवाया श्रुत्वा तदालपित सिंजित मिश्रितानि श्रीराधिके तवरः परिचारिकाहं द्वारस्थिता रसहृदे पतिता कदास्म्यः। हे राधिके हे लाडली जी हे किशोरी जी तव रह परिचारिकाहं एकांतिक सेवा की याचना कर रहे जिस समय प्रियालाल जुगल जोड़ी मिल करके स्मर युद्ध में केली कर रहे होंगे और उस समय जल की आवश्यकता तांबुल की आवश्यकता पंखा की आवश्यकता होगी तो उस सेवा को मैं कब करा ऐसी सेवा। हे श्रीराज के तव रह परिचारिका हम एकांतिक परिचारिका एकांतिक नौकरानी बना क्या करूंगी तो कहते हैं कुंजांतरे किमपि जात रसोत्सवाया कुंज के अंदर प्रियालाल जब रस से निमग्न होंगे रसवती राय प्रिया जी रसवती जब होंगी जात रसोत्सवाया रसोत्सव जब होता रहेगा और उस समय सिंजित मिश्रितानी प्रिया जी के चरण का नुपुर निकुंज महल में प्रिया जी जाती हैं तो अपने सब आभूषणों को निकालकर कुंज के द्वार पर जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि श्याम सुंदर भी अपना बंसी अलग रख देते कुंज के अंदर नहीं जाते अर्थात कुंज में जो लीला चलती है उसको बंसी भी नहीं जानती न प्रिया जी के श्री अंग की कोई आभूषण है। आभूषण कौन है तो बड़े बड़े सिद्ध संत लोग गोपियाँ सखियाँ साक्षात प्यारे श्याम सुंदर हैं तपस्या करके प्रिया जी के नाक का कान के आभूषण बनते हैं तो उन आभूषणों को भी निकाल दिया जाता है रहता नहीं। अब उस समय प्रियालाल जुगल जोड़ी मिल करके रह केली केली वार्ता करते हैं रस हृदय पतिता उस समय प्रिया हम द्वार पर खड़ा होकर तद लपितानि श्रुत्वा उन प्रियालाल के मधुर रसालाप को उस रसहर्त समुद्र से निकली उनकी वाणी को श्रुत्वा सुन करके अहम तव रह मैं उस एकांतिक सेवा में परिचारिका द्वारस्थिता सती कदा रस हृदय पतितास्या कब मैं उस रस समुद्र में पतित हो जाऊं पतित का अर्थ मैं गिर जाऊं निमग्न हो जाऊं। प्रियालाल के मुंह से उनकी केली निकुंज वार्ता को सुन करके अहम तव रह परिचारिकाम द्वारस्थिता सती कदा रस हृदय पतितास्या उसमें मैं कब निमग्न होंगी
रति विशारद तुहु राख मान, हे रसी रति विशारद लाड़िले जवन तुहे दिवदा। प्रिया जी का, प्रिया जी के मुख से जो वार्ता निकल रही है या उनकी आवाज मुख से जो आवाज, उसे सुनने के लिए श्रुति भगवती श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 27वां अध्याय में श्रुतियां कहती है, श्रुति भगवती कहती है कि उस निकुंज के द्वार पर बैठ करके हम श्रुतियों की बुद्धि मुख हो जाती है। सबसे अधिक कौन बोलती है? तो श्रुतियां बोलती है, उपनिषद बोलते हैं ब्रह्म के विषय में, वेद के विषय में, तत्व के विषय में। और जहाँ निकुंज केली के द्वार पर जाकर जहाँ मुखरित श्रुतियां बंद चुप हो जाती, मौन हो जाती है, नहीं नहीं बस बस नेति नेति, अब इससे परे हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। और उन प्रियालाल की बोली को सुन करके हम लोग कब उस रस में निमग्न हो, ये आचार्य चरण कहते हैं। तो उस निकुंज के दरवाजा पर प्रियालाल की जो लीला है, उस लीला में निमग्न होने के लिए क्या करना है, कैसे करेंगे और क्या चलता है, तुम्हारा रसिक महापुरुष इस रस का बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। खास करके दस नाम स्त्रोत लीला मृत में पारस्परिक प्रिया प्रियतम की क्या निकुंज चर्चा हो रही है, ये बात आचार्य लोग वर्णन करते हैं। प्रेम गंधार्वि काली किल रंजित भाव, किल किंचित भाव। अब देखिए एक एक भावों का जो यहाँ वर्णन है उसको उज्ज्वल नीलमणि में बहुत विस्तृत ढंग से वर्णन किया गया। अब प्रिया जी अपनी सखियों से बात करती हैं, क्या बात करती हैं, जो बात करती हैं वो प्रिया जी को भी पता नहीं और प्यारे श्याम सुंदर को भी पता नहीं। उस बात को किसको पता है? सखियों में, क्योंकि सखी ही उस लीला को संपादन करती हैं, उस लीला को आविष्कार करती हैं और फिर उस लीला का आस्वादन भी करती हैं। देखिए लीला किशोरी जी की, निवृत्त निकुंज की लीला, खास करके भागवत निवास में जितने भी महापुरुष हुए हैं, पंडित बाबा होंगे, कृपा सिंधु बाबा होंगे, विश्वनाथ, ये सब बाबा, ये लोग केवल इसी रस में। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बाहर के लोगों को सत्संग सुनाएंगे, जो यहाँ रह रहे वही सत्संग के अधिकार, बस गेट बंद कर दे और इस रस के आस्वादन करें जिस रस में पंडित बाबा रहते थे। गुफा में घुस जाते थे और कई दिन के बाद निकलते थे, यही है रस। जब ज्ञात्वा मत्तो भवति आत्मा रामो भवति न किंचित वांछति न किंचित सोचति, जिस रस को प्राप्त करके लोग मतवाला हो जाते, न उसे खाने की चिंता न रहने की चिंता और उन्मत्त हो जाता है। और इस अलौकिक संपत्ति को, जिस रस का स्वादन विद्यापति जी किए, जयदेव पंडित किए, चंडीदास जी किए, रसिक महापुरुष लोग किए, उन रस का छीटा यदि हम लोगों को मिल जाए तो संसार विस्मृत है। विद्यापति जी कहते हैं प्रिया जी के केली निकुंज बात कि कहब है सखी आजुक विचार, से सुपुरुख मोहि करल श्रृंगार। निकुंज में प्रिया जी कहती हैं ललिता सखी से कि यदि सखी मैं क्या कहूँ, निकुंज में क्या कहूँ, कि कहब है सखी आजुक विचार, से सुपुरुख मोहि कय श्रृंगार। मैं क्या कहूँ, प्यारे श्याम सुंदर हमारा श्रृंगार किए, हसी हसी बहु आलिंगन देला मन मथयंकुर कुसुमित भेल, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
हनुमान जी को आलिंगन कब किए भगवान राम। अब भगवान राम देखे कि जो हनुमान सेवा किया है इसके बदले में मैं कुछ दे नहीं सकता, यदि स्वर्ग की संपत्ति दे दूं, वैकुंठ की संपत्ति दे दूं, फिर भी इस सेवा के आगे कुछ नहीं है। तो प्यारे श्याम सुंदर राघवेंद्र सरकार हनुमान जी को आलिंगन किए, अपने आप को मैं दे रहा हूं, इसका और कोई नहीं रहा है। तो प्रिया जी के सेवा से प्रसन्न होकर के प्यारे श्याम सुंदर अपने आप को दान कर, आत्मदान कर, आत्मदान समान सुंदरिता। हसी हसी पहु आलिंगन देल, मन मथयंखुर कुसुमित भेल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे रस पर ग्रंथ गीत गोविंद, और गीत गोविंद से भी उत्कृष्ट विद्यापति जी का पद, इसीलिए इनको कहा गया अभिनव जयदेव। जहाँ गीत गोविंद में हार जाते हैं जयदेव जी जब वर्णन कर, अब उसको वर्णन करते हैं विद्यापति जी और कहते हैं के विपरीत कथा पति आय कवि विद्यापति भाने। इस दुनिया में कौन है, कोई है नहीं। जो जयदेव जी कहते हैं कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, विद्यापति जी कहते हैं हमारी बात भला कैसे समझेंगे। अरे उनके रहस्य को, जयदेव जी के रहस्य कौन खोला है, विद्यापति जी। हसी हसी पहो, क्यों, क्योंकि जयदेव जी श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि है, और उस रस का उपभोक्ता कौन है तो सखियां। श्री कृष्ण के रस को कृष्ण नहीं जानते हैं, उसको जानती है सखी, सखी। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी पुराण कहते हैं कि हमारी महिमा, हमारी सपर्जा, हमारी पूजा, हमारी कथा जानंती गोपिका पार्था, ये केवल गोपियां ही जानती हैं। मैं पूर्णानंद होकर सर्वज्ञ होकर भी अपने वश में नहीं जानता। हमको यदि जानना चाह, कोई जानना चाहे तो ललिता सखी से पूछे, और वही ललिता सखी विद्यापति जी। तो विद्यापति जी कहते हैं हंसी हंसी पहु आलिंगन देल, मन मथयंखुर कुसुमित भेल। आचर परसी पयोधर हेरु, जन्म पंगु जन मिटल सुमेरु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब निबंध खसा वलकान, वही है राघवन जी कहते हैं ना सो रमन ना हम रमनी, दुह मन मनोभव पेखल जाए। प्रिया जी कहती है अरे सखी मैं क्या करूं, सत्य में प्रतिज्ञा कह के करती हूँ, उस रस को मैं बिल्कुल नहीं जानती। किस रस को,
जब निधि बंध खसावल कान तोहरा सपथ सखी किछु नाही जान। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। मधुर रस का संरक्षक कौन है? हरिनाम। हरिनाम यदि नहीं रहेगा तो मधुर रस गीला जाए। उसका संरक्षक भगवान नाम। सिंह जी हमेशा मामरते रहते, इतना जोर से इतना फास्ट हरे कृष्ण महामंत्र करते, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं ब्रह्मांड, इतना जोर से महामंत्र जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इतना जोर से फास्ट जपते हैं कि दूर से सुनाई देता है बम 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 कर रहे हैं। लोग कहते हैं किसी भी बम बम कहते, बम बम नहीं कर रहे, इतना फास्ट जपते हैं कि दूर से बम 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 ऐसे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। रति चिन्ह जानल कठिन मुरारी। राधा सुधा निधि में प्रिया जी कहती है, अरे कृष्ण तो मुझे नखाघात क्यों करते हो, मैं पूछना नहीं। रति चिन्ह जानल कठिन मुरारी तोहर पुन जी जीवली। ईश्वरी जी कहती हरी ललिता तुम्हारे पुण्य से मैं जीवित रहे तो मैं मर गई होती। कितना कठोर कृष्ण है। कह कबीर रंजन सहज मधुराई न कह सखी गिल चतुराई। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हे गोकुल सुधाकर।